मैं सचिन सतावी और आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो यामा MT15 BS6 बाइक पर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे कि आपको पता है, आज का वीडियो यामा MT15 BS6 बाइक पर है और आपको भाई हर बाइक का सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेस करते हैं। ये सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटलिक वाइट एक्शन प्राइस है इसका 1,38,900 रुपये, जिसमें से RTO अमाउंट है 11,112 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट है 9,374 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको टोटल पड़ेगी 1,59,386 रुपये की। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो 4,63,000 रुपये पर मंथ दे के ले सकते हो। डार्क मेट ब्लू एक्शन प्राइस होगा इसका 1,38,900 रुपये का, सेम अमाउंट रहेगा। RTO अमाउंट रहेगा इसका 11,112 रुपये का और इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा 9,374 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको देखने मिलेगी 1,59,386 रुपये की। EMI पे लेना चाहते हो 4,63,000 रुपये पर मंथ दे के ले सकते हो। अब बात करते हैं आइस फ्लो 1 मिलियन बाइक की। तो एक्शन प्राइस है इसका 1,39,400 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट 11,152 रुपये का होगा और इंश्योरेंस अमाउंट 9,382 रुपये का। अगर आप ऑन रोड प्राइस देखोगे तो ऑन रोड प्राइस का 1,59,934 रुपये का होगा। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो 4,089 रुपये दे के ले सकते हो पर मंथ पर। अब बात करते हैं कलर्स की। तो कलर्स इसके अंदर 3 देखने में मिलेंगे, मेटलिक ब्लैक, डार्क मेट ब्लू, आइस फ्लो 1 मिलियन। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन टाइप इसमें लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 बल्ब के साथ देखने मिलेगा। तो यामा ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंजेस है। अब बात करते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट की। तो 155 cc का इसका इंजन है और पावर की बात करते हैं 18.5 PS एंड 10,000 RPM की। तो पावर थोड़ी कम हो गई है। और टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क है 14.7 PS एंड 8,500 RPM की। तो टॉर्क में भी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला है। अब एमिशन टाइप बात करते हैं तो एमिशन टाइप BS6 है। जैसे कि आप जानते हो BS6 बाइक है, तो इंजन भी इसमें के अंदर BS6 है। बोर की बात करते हैं 58 mm का है और स्टॉक है 58.7 mm का। नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 देखने मिलेंगे। ड्राइव टाइप में चेन ड्राइव है और बल्ब पर सिलेंडर 4 देखने मिलेंगे। फ्यूल टाइप के अंदर पेट्रोल है। और इग्निशन की बात करते हैं तो इग्निशन में ट्रांजिस्टर कंट्रोल इग्निशन देखने को मिलेगा। कंप्रेशन रेशो 11.6:1 है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन टाइप में मैनुअल है। नंबर ऑफ गियर 6 स्पीड देखने मिलेगी, यानी कि 6 गियर वाली बाइक है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क है और रियर ब्रेक भी इसमें डिस्क देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चैसिस एंड सस्पेंशन की। तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक फोर्क के साथ है और रियर सस्पेंशन इसमें स्विंग ग्राम के साथ है। चैसिस इसके अंदर डेल्टा बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं टायर्स एंड व्हील्स की। तो पहले हम टायर साइज की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट टायर इसमें 100/80-17 का है और रियर टायर इसमें 140/70-17 का है। व्हील साइज की बात कर लेते हैं। व्हील साइज में फ्रंट व्हील है 431.8 mm का और रियर व्हील भी इसमें 431.8 mm का है। मतलब दोनों ही सेम देखने को मिलेंगे। टायर का इसमें ट्यूबलेस होने वाला है। अब यामा ने एक अच्छी चीज़ किया है इसके अंदर कि पहले नॉर्मल टायर यूज होता था, इस बार इसके अंदर रेडियल टायर भी देखने को मिलेगा। बाइक का इसमें अलॉय होने वाला है। और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो बाइक बेस इसमें 1,335 mm का और लेंथ इसमें 2,020 mm की। ग्राउंड एंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 155 mm का और हाइट है 1,070 mm की और सीट हाइट है 810 mm की। विड्थ के बारे में बात करते हैं, विड्थ 800 mm की है। फ्यूल कैपेसिटी
10 लीटर की है और टेल लाइट इसमें एलईडी में देखने को मिलेगी। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 282 mm का और रियर ब्रेक डायमीटर 220 mm का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो बैटरी का इसमें ET Z5 है और एलईडी टेल लाइट इसके अंदर देखने को मिलेगी। टर्न सिग्नल लैमिनेशन बल्ब में देखने को मिलेगी, लेकिन अब तक सब मैंने देखा सारी बाइक से एलईडी में जा रही है, तो यामाहा को भी एलईडी में जाना चाहिए। हो सकता है कुछ टाइम बाद इसमें एलईडी में अपडेट हो जाएगी बाइक। वीडियो देख चुके, वीडियो काफी अच्छा था, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट्स होता है वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, आपको भाई आपके सारे कमेंट्स से रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता है जिस टॉपिक आप बोलते हो। अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपका सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।